हिंदी रखे हैं तो उसमें जो है आप 25 सब्जेक्टिव और 25 ऑब्जेक्टिव आएगी। अगर दोस्तों आप सब्जेक्टिव में कितनों भी अच्छा लिख देंगे तो आपको 25 नंबर नहीं मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि अगर आप 25 में से 25 सही अगर टिक मारेंगे तो आपको 25 नंबर ही देगा और एक नंबर भी नहीं कट सकता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा किस में ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव में ध्यान दिया कीजिए, और ऑब्जेक्टिव में अगर ध्यान दीजिएगा तो अच्छा नंबर से आप हिंदी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को जो है इस तरह अगर पढ़ेंगे तो आप फेल कभी भी नहीं होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और मैं लाइव आने का शेड्यूल जो है रूटीन जो है मैं आज मैं अपलोड कर दूंगा कि कब लाइव आऊँगा और कौन सब्जेक्ट का लाइव लेकर आऊँगा, तो आज मैं शेड्यूल आप लोगों को दे दूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्न से। तो देखते हैं क्या है पहला प्रश्न, क्या है लंबोदर शब्द कौन सा समास है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब जो है क्या होगा, बहुवीरी, आप भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है आपको बता दिए, और इसी तरह जो है मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में किस लेखक को कलम का जादूगर कहा गया है, क्या है हिंदी साहित्य में किस कलम को हिंदी साहित्य में किस लेखक को कलम का जादूगर कहा गया है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। अब थोड़ा सा स्किप करके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत माता ग्राम वासिनी के कवि का नाम लिखे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक पर्सन से है, तो इसका सही जवाब थोड़ा सा स्किप करके देख लेते। तो उत्तर क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। क्या है, भारत माता ग्राम वासिनी के कवि का नाम लिखे हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है क्या है, चौथा प्रश्न क्या है, धर्म शब्द का विश्लेषण है। तो धर्म शब्द का विश्लेषण क्या है, इसका सही जवाब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो धर्म शब्द का विश्लेषण है धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन को कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन का क्या है देख लेते हैं, कलम शब्द का लिंग निर्णय करें, कलम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी इसका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो देख लेते हैं कलम जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है समास के कितने भेद होते हैं, समास के जो है कितने भेद। दोस्तों थोड़ा सा आज भी जो है आपको नॉइस आ रही होगी, तो चारों तरफ की आवाज़ को वो आपको रिडक्शन वो आप भूल जाएं, बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दें और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए। समास के कितने भेद होते हैं, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा स्किप करके इसका आंसर भी देख लेते हैं, क्या है आंसर, आंसर नंबर बी यानी 6 होगा। दोस्तों इस तरह जो है आप आसानी से आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं, ये 25 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। अब थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, तो क्या है 25 नंबर क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विदी किस प्रकार के रचनाकार है। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, क्या है, निबंधकार। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पिछले 2017 में ये पूछा था, तो ये इसका जो है आंसर शीट है। तो दोस्तों मैं सोचा कि इसको क्यों ना हमें अपने जो है प्रिय दोस्तों को प्यारे सब्सक्राइबर को मैं क्यों ना इसको भी पहुंचा दूं, तो इसलिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8, किस कवित्री को इसमें से आधुनिक युग का मीरा कहा गया है। तो इसका सही जवाब अब थोड़ा सा स्किप करके हम लोग देख लेंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा उत्तर में देख लेते हैं, उत्तर महादेवी वर्मा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है श्रृंगार शब्द का विश्लेषण होता है, श्रृंगार शब्द का विश्लेषण क्या होता है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्किप करके, तो विश्लेषण जो है श्रृंगारिक। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो स्किप करके थोड़ा सा आंसर जो देख लेते हैं, क्या है उत्तर नंबर 1908। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। तो इसका सही जवाब क्या होगा, थोड़ा सा स्किप करके और एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि कौन है।
तो थोड़ा सा स्किप करके, तो क्या है आरसी प्रसाद सिंह। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्वाइप नहीं कीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको बहुत कम ही मिलेंगे। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा देख लेते हैं, इसका स्किप करके थोड़ा सा तो क्या होगा अन्य जोर न्याय बराबर अन्याय। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है 14वां क्वेश्चन है देख लेते हैं, विश्लेषण के कितने भेद होते हैं, विश्लेषण के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही जवाब हम लोग अब थोड़ा सा स्किप करके वीडियो को देख लेते हैं, क्या है चार, विश्लेषण के कितना भेद, तो चार भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन है क्या है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब हम लोग थोड़ा सा स्किप करके, सही जवाब जो है आ चुकी है क्या होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सी प्रेमचंद्र की रचना है, इनमें से कौन सी प्रेम का सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं, तो क्या है गोदान। तो दोस्तों ये जो है ये आंसर शीट में लेकर आया हूँ 2017 के जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन आप अगर आएगा 2019 में तो आपको आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से टिक लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां क्वेश्चन, मानव शब्द का विलोम होता है, तो मानव शब्द का विलोम क्या होता है ये तो देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मानव शब्द का विलोम दानव होता है, मानव शब्द का विलोम क्या होता है दानव। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हिंदी में स्वर के कितने, हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं। दोस्तों ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, ये आपको 12th में भी पूछा गया है, ये जो है बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ तो ये आप लोगों को भी पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि 11 है, यानी अ आ ई ह्रस्व जो है ये 11 तक है। तो दोस्तों हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, 11 हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द का विलोम होता है, तो ज्ञान शब्द का विलोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं ये पूरा कंफर्म कह सकता हूँ। तो ज्ञान का उल्टा क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, अज्ञान, यानी ज्ञान का जो है अज्ञान होगा। तो दोस्तों काफ़ी आसान भी है और अगर नहीं जानने पर काफ़ी कठिन भी होगा, तो दोस्तों ये जान करके क्यों ना रखें हम। तो अब फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं, क्या है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं, इसका कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद, 8 भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, क्या है ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विधा है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका ये जो है बुक पर्सन से है, तो देख लेते हैं इसका उत्तर, तो उत्तर तो है थोड़ा सा दिक्कत है, मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन को, तो 22वां क्वेश्चन क्या है, गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देख लेते हैं, गणजोर इस बराबर गणेश। अब अगला क्वेश्चन तो दोस्तों देख लेते हैं, 23वां क्वेश्चन है, मोती शब्द का लिंग निर्णय करें, तो मोती क्या है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो देख लेते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये स्त्रीलिंग होगा, तो देख लेते हैं ये क्या सही जवाब है, स्त्रीलिंग। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ बाप शब्द कौन सा समास है, वाह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माँ बाप शब्द का समास कौन समास है, देख लेते हैं क्या है इसका सही जवाब, द्विंद्वी समास, यानी दो है तो द्विंद्वी समास। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 25वां क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में, अगर मैं दिखा रहा हूँ फिर भी अगर आप लोग जानते हैं तो कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लिख डालिए कि क्या होगा, यानी मैं पता चल जाएगा मुझे कि आप लोग भी जानते हैं। तो देख लेते हैं क्या है 25 नंबर, इनमें से कौन सी रचना महाविधि की रचना है, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है, गौड़ा, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो इसका सही जवाब गौरा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो दोस्तों आज जो रात में
8 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, अगर आप लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।